नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा साहू और आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। घंटा घर में रोजी रोटी कमाने बाहर से आए मजदूरों की जान उस वक्त संसद में आ गई जब एक जहरीले सर्प को उन्होंने फन फैलाए बैठे देखा। यह सांप लकड़ी के गट्ठे व बेचने के लिए रखे हुए कूलर के खसों के पीछे छिपा बैठा हुआ था। जब कोई ग्राहक सामान खरीदने आया तो खस व्यवसायी के द्वारा खस को हटाया गया, जिसके बाद वहां का नजारा देख व्यवसायी काफी घबरा गया व वहां शोरगुल होने लगा, जिसके तुरंत बाद देर न करते हुए उनके पड़ोसी के द्वारा RCRS के प्रमुख अविनाश यादव को कॉल करके वहां की स्थिति के बारे में अवगत कराया गया व टीम के प्रमुख ने तुरंत अपने टीम के सदस्य गौरव साहू और अनिल मांझी को उस स्थान पर भेजा व सर्प मित्रों की सहायता से जहरीले कोबरा सांप का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। गनीमत की बात तो यह रही कि खस को निकालते समय कोबरा फन फैलाए बैठा ही था और व्यवसायी जल्दबाजी में उसे देख नहीं पाया। जब सांप ने फुफकार मारी तब उसके होश उड़ गए और गिरते पड़ते वहां से शोरगुल करते भाग रहा था, जिससे वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई व रेस्क्यूअरों के पहुंचते ही सुरक्षित रेस्क्यू हो गई। तब कहीं जाकर खस व्यवसायियों ने व आसपास में उपस्थित लोगों ने राहत की सांस ली। अविनाश यादव, मोबाइल नंबर 9827917848 9009996789। मेरा नाम रोशन मिश्राम है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे हम लोग घंटाघर में खस का काम करते हैं, खस बनाने का। तो हमारे यहाँ पे एक कोबरा सांप निकला हुआ था, तो इसके बारे में हमने पड़ोसी जो हमारे जो पड़ोसी है उनको सूचना दी, तो उन्होंने ये अविनाश यादव करके जो है जो सर्प मित्र है उनसे कांटेक्ट करके उन्होंने उनको बुलाया है यहाँ पे। तो उन लोगों ने उस सांप को यहाँ पकड़ा है, उनका रेस्क्यू हो चुका है अच्छे से। अभी हम लोग अच्छे से सेफ्टी में हैं। तो अविनाश यादव और उनकी टीम को हमारे तरफ से थैंक यू। ठीक है, ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24।